यू नो बट कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस थे कि इस फिल्म में जो नॉर्मल कन्वेंशनल हीरो नहीं है, इसमें हिमेश रेशमिया हीरो है. मैं ऑनेस्टली ये सवाल मुझे पहले भी पूछा गया था और मैं फॉर मी ये सवाल एक्चुअली मुझे लगता है ऑपोजिट होना चाहिए था कि क्या हिमेश रेशमिया को एप्रीहेंशंस थे कि कहीं ना कहीं वो एक रैंक न्यू कामर्स के साथ काम कर रहे हैं. क्योंकि चाहे हम आपको अच्छा लगे या बुरा, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट मिस्टर रेशमिया इज़ अ वेरी ह्यूजली पॉपुलर ब्रांड. यू नो चाहे वो हिट देते हैं फ्लॉप देते हैं, वो हमेशा न्यूज़ में होते हैं. उन्होंने 50 हिट्स इन रो दिए हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं. उनकी फिल्म फर्स्ट फिल्म आपका सुरूर विच वॉज केम एज एन अंडर डॉग, उन्होंने इतनी बड़ी बम्पर हिट दे दी, सब लोग हिल गए. सो आफ्टर दैट हिमेश रेशमिया ने कैसे सोच लिया कि ये दो रैंक न्यू कॉमर्स के साथ, क्या ऑप्शन उनके पास था हमारे पास नहीं. यू नो फॉर मी टू इवन आई वॉज ग्रेटली ऑनर्ड दैट मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट में मैं हिस्सा बन रही हूँ जिसका कुछ तो वेट है. बिकॉज मेरे आई मीन वेरी ऑनेस्ट, आज फिल्म लगती है तो वो हिमेश रेशमिया, दमादम इज हिमेश रेशमिया एंड देयरफॉर आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू. यू नो तो मेरे मन में 1% एप्रीहेंशन नहीं था क्योंकि ऑप्शन उनके पास था, मेरे पास नहीं. तो उन्हें एप्रीहेंशन होना चाहिए था जो उन्हें नहीं था, और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. वाओ, एंड आप क्या कहना चाहेंगे सोनल? आई फील जब मैं कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती हूँ आई ऑलवेज गो बाय व्हाट माय पार्ट इज. यू नो आई बिकॉज सी लाइक आई सेड जो इफ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम फिल्मी फैमिलीज वी हैव ओनली दैट मेनी चॉइस, यू नो दैट मेनी स्क्रिप्ट्स दैट कम टू अस. वेरी ट्रू. सो उनमें से जहाँ पर मेरे लिए मीटी रोल हो, आई वुड रादर डू अ फिल्म यू नो विच doesn't have like a really big superstar then do a film jisme you know I am one of the four girls aur mere aur wo pehle narration mein bolte hai aapke do scene aur ek do gaane hai you know because I want to be seen as an actor. So jis film jis script mein mere liye kaam hoga, acha kaam hoga, acha part hoga, I will do that. And also I have to have faith in the director. The rest who I'm working with, I'm not here to pick and say that, oh, okay, no, I want to work with, yeah. You know. I like that how people stars. Think that aapke ghar ke bahar to maine suna tha line lagi thi sabhi logon ki. Aapne lekin fir aise kyun? It's not, that's not the truth. Reality and reality check bahut zaruri hota hai. Aur jab ye film offer hui thi, mere liye sabse important ye baat thi ki mera hero mera script hai. And Himesh will tell you the same, Swapna Sonal will tell you the same. We were all blown away by Damadam as a story. Yeah. And then फिर वो सारी चीजें हुई कि भाई मेरा किरदार अच्छा ऐसा है तो मजा आएगा, अच्छा साथ में हिमेश रेशमिया है, म्यूजिक ऐसा है, यू नो स्वप्ना है साथ में. सो ऑल दोज थिंग्स एडेड तो हमारे लिए वो मेरे लिए एटलीस्ट एंड आई एम श्योर इवन आई कैन स्पीक फॉर सोनल फॉर अस दैट वॉज अ प्रोजेक्ट दैट वी वॉन्टेड टू ऑल्सो बी पार्ट ऑफ. ऐसा नहीं कि हम लोग को हमने सोचा और कुछ नहीं हुआ तो हमने बोला चलो ठीक है, नहीं, वी वर इक्वली एक्साइटेड एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ द मादम एज़ अ फिल्म.